हेलो स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग ने इनफर्टिलिटी पे स्टॉप किए थे और ये सीखे थे कि पहले के लोग अगर इनफर्टाइल होते थे तो उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे या तो वो लोग चाइल्डलेस रहे बिना बच्चे के रहे या तो फिर वो लोग किसी और का बेबी अडॉप्ट कर लें बट इन द न्यू वर्ल्ड ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि हम लोग हमारा खुद का चाइल्ड जो कि मदर जो कि पेरेंट्स इनफर्टाइल है वो लोग अपना ख़ुद का चाइल्ड डेवलप कर सकते हैं बाय वेरियस वेरियस टेक्निक्स जैसे कि टेस्ट्यूब बेबीज़ होते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है आई और सैरोगेट मदर्स ये सारे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं तो ये वीडियो में हम लोग वो टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे सो फर्स्ट टेक्निक है आईवीएफ या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ क्या होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वेयर एन एग इज़ कम्बाइंड विथ स्पम आउटसाइड द बॉडी इन अ टेस्ट ट्यूब और ग्लास प्लेट टू फॉर्म अ जाइगॉड टेड कंडीशंस इन अ लेबॉरेटरी फिर जब ये जयगा बन जाता है तब वो वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं इन टू द फेलोपियन ट्यूब्स आई होप यू अंडरस्टैंड एक एग है और एक स्पम है वो लोग मदर में से एग निकालते हैं वो मेल में से स्पम निकालते हैं एग है ऑफ मेल फीमेल स्पर्म है तो वो लोग क्या करते हैं लेबॉरेट्री में एक ग्लास प्लेट में या फिर टेस्ट ट्यूब में ये एग और स्पर्म को फर्टिलाइज़ करते हैं और इसे थोड़े दिनों में जब जाइ बन जाता है hmm. तब ये जाइगॉड उन लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं इनटू फैलोपियन ट्यूब ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देन द नेक्स्ट टेक्निक इज़ गिफ्ट गिफ्ट का मतलब है इंट्रा इंटराफेलोपियन ट्रांसफर इसमें क्या होता है ये एक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है वैन देर इज़ अ ब्लॉकेज इन द फैलोपियन ट्यूब विच प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय द स्पम्म जब ब्लॉकेज होता है फैलोपियन ट्यूब में तो ये ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं इस मेथड में एग को रिमूव करते हैं फ्रॉम द वूमेंस ओवरी फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग विद स्पम इज़ ब्रॉट अबाउट आउटसाइड द बॉडी अंडर स्टेराइल कंडीशन टू फॉर्म जयगॉड इस बाय द प्रोसेस कॉल्ड विट्रो फर्टिलाइजेशन जो ऊपर वाले फर्टिलाइजेशन जो पहले हम लोग सीखे हैं, आई वी एफ में वैसा पहले फर्टिलाइज करते जाइॉड बनाते फिर जाइगाड को ट्रांसफ़र करते हैं टू द फेलोपियन ट्यूब फॉर फर्दर डेवलपमेंट पहले जब फिर उसके बाद उस जयगाड को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पे और पिछले वाले जो मेथड था उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इनफर्टिलिटी होती है क्योंकि ब्लॉकेज होता है फेलोपियन ट्यूब्स में तो ये ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट के थ्रू ये ट्रीटमेंट में ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं ये टेक्निक बहुत ज़्यादा सिमिलर है आईवीएफ वी की ओके आईवीएफ क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के देन एक आता है थर्ड मेथड होता है वो है गिफ्ट गिफ्ट का मतलब होता है गैमेट इंट्राफोलिपियन ट्रांसफ़र इसमें क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इन टू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन प्रोवाइड सूटेबल इन्वामेंट फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट एक ओवम को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे वुमन के फैलोपियन ट्यूब में ताकि वो वुमेन उस ओवम को एक फर्टिलाइज इन्वायरमेंट में रख सके इस टेक्निक को बोलते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ये डेवलप हुई थी फॉर द केसेस इन विच ओनली द एंट्रेंस टू द ओविडक्ट और द अपर सेगमेंट ऑफ द ओविडक्ट इज़ ब्लॉक ये क्यों हो रही है जो गिफ्ट था वो फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह से हो रही है यहाँ पे ये टेक्निक कब क्यों डेवलप हुई थी क्योंकि ओविडक ब्लॉक हुआ था ओविडक क्या है ये भी फैलोपियन ट्यूब है पर यहाँ पे उसका अपर सेगमेंट ब्लॉक हुआ था या फिर उसका एंट्रेंस जो था हुँ, वो ब्लॉक हो गया था फिर इस प्रोसीजर में क्या होता है ओवा एंड स्पम आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द रीजन ऑफ ओविडक ओविडक के रीजन में ओवा और स्पम को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं वेयर फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस एंड अब वेयर फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस और क्या बनता है ब्लास्टोसिस्ट बनता है अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है यूट्रस में एंटर करता है वाई अ नॉर्मल रूट एंड जब वो यूट्रस में नॉर्मल रूट के थ्रू एंटर कर लिया तब समझ जाना चाहिए कि गिफ्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया बट अभी भी हम लोग फुल चांसेस नहीं दे सकते थर्टी परसेंट सक्सेसफुल हो गया कितना थर्टी परसेंट ओके देन यहाँ पे वो ओविडक्ट के ब्लॉक होने के वजह से ये टेक्निक हुई थी एंड स्पर्म और ओवम को डायरेक्टली एंटर करते हैं। ओके okay? इस टेक्निक में फिर जब डायरेक्टली एंटर करते हैं इंजेक्ट करते हैं कहाँ पे ओविडक्ट में ओविडक्ट क्या है फेलोपिन ट्यूब का ही नाम ओविडक्ट है ओके okay? फिर वो ओविडक्ट से ब्लास्ट सिस्ट बनता है तो ये टेक्निक में इतना ही पढ़ना है देन नेक्स्ट मेथड है आई सी एस आई ये है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पम इंजेक्शन इसमें इसमें क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसीजर था इन विच अ सिंगल स्पम सेल इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इन टू साइटोप्लाजम ऑफ एन ओवम इन द लेबॉरेट्री यहाँ पे स्पम हैज़ टू नेचुरली पेंट्रेट द एग वहाँ पे वो लोग स्पम को पेंट्रेट uh, खुद करते हैं ओवम में बट इस टेक्निक में स्पम जो है वो नेचुरली स्विम करके एग के अंदर एंट्री करता है इसमें इतना ही है द नेक्स्ट मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ए इसमें क्या होता है जो मेल पार्टनर है इज़ अनएबल टू इंसेमिनेट द फीमेल ड्यू टू वेरी लो स्पम काउंट मतलब मेल के अंदर स्पम काउंट कम होते हैं जिसके वजह से फीमेल में वो स्पर्म्स एंटर ही नहीं कर पाते हैं मतलब मे फीमेल की गलती नहीं होती है मेल के स्पर्म काउंट के वजह से होता है फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस टेक्निक में जो स्पर्म होता है वो कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द मेल एंड आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द सर्विक्स ऑफ फीमेल क्यों क्योंकि इस वजह से वो लोग प्रेगनेंसी कंसीव कर ले फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड है इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन इस टेक्निक में इस प्रोसेस में क्या होता है इस ये प्रोसेस थोड़ा बहुत सेम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसा द ओनली डिफरेंस इज़ दैट स्पम आर इंट्रोड्यूस इनटू टू यूटराइन कैविटी इंस्टेड ऑफ सर्विक्स अगर यूट्राइन कैविटी में स्पम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो टेक्निक हो जाएगा इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन फिर एक लास्ट टेक्निक है वो है स्पम बैंक या फिर सीमेन बैंक एक स्पम बैंक या फिर सीमेन बैंक एक ऐसा प्लेस है विच कलेक्ट स्टोर एंड प्रोवाइड ह्यूमन स्पम या सीमेंट यहाँ पे ह्यूमन के स्पम या फिर सीमन अवेलेबल होते हैं यहाँ पे जो सीमेंट है इस एक हेल्दी मेल से लेते हैं और उसे स्टोर करते हैं सीमेंट बैंक जैसे ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर होता है वैसे सीमेंट बैंक में सीमेंट स्टोर होता है हुँ? और जो सीमेंट दे रहा है वो है स्पम डोनर जो स्पम स्टोर होता है सीमेंट बैंक में उसे फिर यूज़ करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन फिर एक चीज़ होती है सरोगेट मदर सम वूमेंस हैव प्रॉब्लम इन फर्टिलाइजेशन कुछ वूमेंस को फ़र्टिलाइज़ करने में प्रॉब्लम होती है हुँ। तो उस मतलब उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसके वजह से वो लोग वैसा इन्वामेंट नहीं रख सकते जो जिसमें बेबी हेल्दी रहे या बेबी को अच्छा न्यूट्रिशन रहे या फिर वो जायगॉट बना सके तो ऐसे वुमेंस क्या करते हैं वो लोग अपना एग लेते हैं वो लोग क्या करते हैं अपने एग को और अपने हस्बैंड के अपने पार्टनर के स्पम को वो लोग दोनों को जयगॉड बनाते हैं और वो जयगॉड को किसी दूसरे वूमेन के अंदर इंजेक्ट करते हैं फिर वो वूमेन उसके बेबी को मतलब किसी और के बेबी को वो, वो जिस दूसरे के बेबी को वो वूमेन बर्थ करती है अपने अंदर ग्रो करती है फिर जब वो बेबी ग्रो हो गया फिर उसे जिसके पेरेंट्स को दे दिया जाता है डेज ये सरोगेट मदर भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है बट इसके भी कंडीशंस होते हैं कुछ के ऐसे वुमेंस में करते हैं जो कि विल्ली मतलब अपने खुद के विश से कर रही हो एंड फिर सेकेंड प्रॉपर रजिस्ट्रेशन uh, होता है प्रॉपर पेपर वर्क होता है सरोगेट मदर्स के लिए उसके बाद फोर्टी अबव जो वुमेंस होती हैं वो लोग ज़्यादातर सरोगेट मदर बनते हैं फिर एक प्रोसीजर है एडॉप्शन का ये हमारे टेक्स्ट बुक में लास्ट टॉपिक है ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है एडॉप्शन एडॉप्शन भी एक लीगल प्रोसेस है जो एक कपल या फिर एक सिंगल पेरेंट दोनों भी मिलके एडॉप्शन कर सकता है हम्म एक सिंगल पेरेंट को भी राइट right है एडॉप्शन का ओके सो नाउ एडॉप्शन एक लीगल प्रोसेस है ओके okay? एडॉप्शन क्या है एक लीगल प्रोसेस है जहाँ पे एक कपल या फिर एक सिंगल पेरेंट हैट लीगल राइट्स प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि वो एक बेबी को अडॉप्ट कर सकें दैट आर एसोशिएटेड टू अ बायोलॉजिकल चाइल्ड फॉर अ ब्रिंगिंग ऑफ द एडोप्टिड चाइल्ड फिर ये जो एडॉप्टि पेरेंट है वो मेडिकली फ़िट होना चाहिए फाइनेंशियली फ़िट होना चाहिए कि वो जो चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है वो चाइल्ड को वो उसका ध्यान रख सके उसका एजुकेशन कर सके उसका अच्छी जगह इन्वामेंट में रह सके फिर उसके बाद जो पर्सन जो विश कर रहा है अडॉप्ट करने के लिए वो पर्सन ट्वेंटी वन ईयर्स ओल्ड होना चाहिए एंड अपर एज लिमिट वाले भी अडॉप्ट कर सकते हैं बट लीस्ट एज मिनिमम एज अ पर्सन जो अडॉप्ट कर रहा है उसकी ट्वेंटी वन ईयर्स होना चाहिए सो so यहाँ पे एडॉप्शन भी कंप्लीट होता है होल चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड आई रियली होप यू स्टूडेंट टू सी ऑल द वीडियोज़ एंड जो भी समझ में नहीं आता है उसे वापस रिपीट करके देखो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू वेरी डीपली दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड डू प्रैक्टिस ऑफ डाइग्राम्स एंड थैंक यू